शादी एक ऐसा पवित्र बंधन होता है जिन्हें 7 जन्म तक निभाना होता है। लेकिन क्या आपने सुना है कि कहीं बारात में स्वागत टमाटर से किया जाए या दूल्हे को शादी से पहले सन्यासी बनने की सलाह दी जाए। शादी की किसी सेरेमनी में जाना बहुत अच्छा लगता है। दो लोगों का मिलन देखना, अलग अलग रीति रिवाज देखना बहुत अच्छा लगता है। हर इलाके के जाति धर्म शादी को लेकर अलग अलग तरह के रीति रिवाज होता है। कई लोगों को देखकर हमें अच्छा लगता है और कई को देखने के बाद हमें लगता है कि आखिर ये रिवाज क्यों मनाते हैं। ऐसे ही शादी कई अजूबे गरीब रिवाज भी होते हैं जिन्हें सुनकर आप शायद हंसी आ जाए। शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। भारत में शादी से पहले जहाँ लड़के लड़की को हल्दी और चंदन लगाकर उनके सौंदर्य को निखार लाया जाता है, वही स्कॉटलैंड में होने वाले दूल्हा और दुल्हन को शादी से पहले सड़े अंडे, सड़े टमाटर और सड़ी हुई मछलियों का सामना करना पड़ता है। शादी से पहले इन पर सारी गंदी वस्तुएं फेंकी जाती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि जो इनका सामना करते हुए खुद को संभाले रखता है वह अपने जीवन में किसी भी तूफान से टकराने को दम रखता है। सच में ये परंपरा बहुत ही अजीब है। हमारा अगला वीडियो है चीन का। हमारे पड़ोसी देश चीन में एक हिस्से में होने वाली दुल्हन को शादी से 1 महीना पहले रोजाना 1 घंटे रोना पड़ता है। रोने को कहा जाता है। इससे ये लोगों को दुल्हन के वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा शगुन माना जाता है। हमारे देश में मोटी दुल्हन से शायद ही कोई शादी करना चाहेगा, लेकिन मोरिटानिया में एक रिवाज है कि जितनी मोटी लड़की है उतनी ही अच्छी। इसलिए कई बार तो माता पिता अपनी बेटियों को फैट कैंप्स में भेजा जाता है ताकि वजन बढ़ा सके। इस ट्रेडिशन को मेम्ब्लो कहा जाता है। कई लड़कियों को ज़बरदस्ती खाना खिलाया जाता है ताकि उनका वजन बढ़ सकता है। ऐसे लड़कियों को पात संबंधित कई समस्याएं भी हो जाती है, पर फिर भी इस देश में यही रिवाज है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज का इस वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं इस वीडियो का जल्दी सेकंड पार्ट भी लाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।